हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसीआई एजुकेशन बांसुर। सो यू ऑल आर इन सिक्स्थ क्लास नाउ एंड बिफोर दैट वी डिस्कस अबाउट द फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। देखिए, हमने इससे पहले मैंने आपको भेजी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था फूड के। ओके, तो आप सबको पता है फूड आर दोज मटीरियल्स विच गिव अस एनर्जी, यानी वो चीजें या वो मटीरियल जो हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज नोन एज फूड। दैट क्लियर? उसके बारे में बाद हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स। ओके, बिफोर दैट हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम फूड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द मटीरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड। अगर हमें फूड बनाना है, कोई भी डिश हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ मटीरियल्स चाहिए और उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए आज की स्पेशली जो सोर्सेज है फूड के, सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के सोर्सेज क्या होते हैं? अब आप कुछ भी लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने चलिए मॉर्निंग में चपाती खाई, आपने कर्ड खाया, आपने मिल्क लिया है, आपने वेजिटेबल्स ली है, ये क्या थे? ये हमारा फूड था। इज दैट क्लियर? इस फूड को हमने खाया। चलिए, अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो आप सब बताइए, चपाती, चपाती कहाँ से आती है? बोले मैम चपाती तो मम्मा बनाती है। ओके, किससे बनाती है? आपको मैम आटे से बनाती है। फिर मैम ने पूछा आटा कहाँ से आया? आपने कहा कि मैम आटा तो मम्मा ने चक्की से पिसवाया था। तो आटा बनाया किससे? आपने कहा मैम गेहूं से बनाया था। गेहूं कहाँ से है? मैम प्लांट से है। Am I right or not? यानी ओवरऑल जो भी चपाती आप खा रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपने चपाती किसी बनाई, आटे की, आटा किससे बना? गेहूं से। गेहूं कहाँ से मिला? प्लांट से। यानी यहाँ पे अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, सोर्सेज मतलब क्या होता है कि आपको वो जो फूड मिला, ठीक है, वो फूड कहाँ से मिला? अंडरस्टैंड होना। तो वो फूड आपको चपाती कहाँ से मिली? प्लांट से। अब मैं बात करूँ आपको कर्ड कहाँ से मिला? हमारे जमाया था। किससे जमाया था? दूध से जमाया था। दूध कहाँ से मिला? आपको और एनिमल से मिला था। ऑफ कोर्स किससे मिला था? एनिमल से मिला था। अंडरस्टैंड? अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो आता होगा मैम सूखा वाला दूध भी तो होता है, पाउडर वाला, ठीक है, वो आर्टिफिशियल चीज है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ हम मिल्क से रिलेटेड चीजें तो मिलाते ही है। अंडरस्टैंड? यानी मिल्क का कोई प्रोडक्ट तो आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा मिल्क कहाँ से है? मिल्क मैम एनिमल से है। ओके, आपने वेजिटेबल्स खाई? यस मैम खाई थी। वेजिटेबल में आपने क्या क्या डाला मैम? स्पाइसेस भी डाली थी, वाटर भी डाला था, वेजिटेबल्स भी डाली थी। ओके, चलिए बात करते हैं। वाटर एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है बेटा। वाटर एक नेचुरल सोर्स है जो हमें किससे मिलता है? बारिश से मिलता है, अंडरग्राउंड से मिलता है। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है मैम? प्लांट से मिलती है। बेटा अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ, टर्मरिक है, चिलीज है, ये कहाँ से मिली? मैम ऑफकोर्स प्लांट से मिली। तो कुल मिला के जितना भी आप खाना खाते हैं, मोस्टली जितना भी आप खाना खाते हैं उसके दो ही सोर्सेज होते हैं। यानी सोर्सेज ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो स्पेशली हमारे पास टू मेन सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जितने भी फूड हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, चलिए जब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं प्लांट के पार्ट्स। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मे आई हैव इरेज इट? आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स जो फूड के सोर्सेज है वो मेनली टू होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स से देखिए स्पेशली टू पार्ट्स होते हैं, एक पता है आपको जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है, दूसरा आपको पता है जो जमीन के ऊपर होता है।
सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला है रूट सिस्टम। ओके, प्लांट्स को हम स्पेशली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है शूट सिस्टम। ओके, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम को स्पेशली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हमारे पास होती है रूट और दूसरे होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, ओके। इसके अलावा हमारा जो रूट सिस्टम है उसको भी हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रूट सिस्टम जो है वो अंडर द ग्राउंड होता है, आप याद रखेंगे इसको, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, एंड रूट सिस्टम में क्या क्या देखिए, रूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, ओके बेटा, फ्लावर, फ्रूट एंड और क्या कह सकते हैं हम, ब्रांचेस अगर है। अंडरस्टैंड? तो ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट के पार्ट्स को स्पेशली हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट के पार्ट्स को टू पार्ट्स, वन इज रूट सिस्टम, ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, सेकेंड वन इज रूट सिस्टम, सेकेंड वन इज रूट सिस्टम विच इज अबाउ द ग्राउंड, इज इट क्लियर। तो रूट सिस्टम जो है वो स्पेशली रूट और रूट हेयर से मिलकर बना होता है, जिनका काम है सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अंडरस्टैंड बेटा? और जो रूट सिस्टम है वो ऑल द पार्ट्स विच आर अबाउ द ग्राउंड, ऑल द पार्ट्स विच आर अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड के ऊपर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, शूट सिस्टम। अंडरस्टैंड? अबव द ग्राउंड। ओके बेटा, तो ये अबव द ग्राउंड कौन कौन से पार्ट है, स्टेम है आपको बताया, तना जिसको बोलते हैं हिंदी में आप, लीव्स है, पत्तियां जिनको बोलते हैं, ब्रांचेस है जिनको आप टहनियां शाखाएं बोलते हैं, ओके, फ्लावर्स आपने देखे होंगे फूल, और फ्रूट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, फल, और नीचे वाले पार्ट्स में रूट आपकी होती है जड़, ठीक है, और रूट हेयर्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं रूट्स पे, आप देखना कभी भी, दोज आर टमाटर की स्पेशलिटी। तो आज की वीडियो भी इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको समझना, इसके नोट्स राइट डाउन करना, डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना। हैव अ गुड डे।